हेलो भाई, तो स्वागत है आपका आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इसमें जो हम हमारी किया कि सेल्टॉस है, जब हमने इसको बाय किया था तो हमने इसकी कुछ एक्सेसरीज जो कंपनी से ही मतलब वो ऑफर भी करते हैं मतलब लेना है या मतलब, तो हमने उसको कैंसिल करके भाई सिर्फ जो काम की चीज़ें थी वो ले ली। क्योंकि भाई बाहर से चीज़ें डलवाना मतलब स्टार्टिंग कोई प्लान नहीं था कि बाहर से इसमें कोई भी एक्सेसरी वगैरह लगवाएं या इसकी वायरिंग वायरिंग कुछ भी छिड़वाएं बाहर से। तो भाई जो हल्की फुल्की हमें एक्सेसरी चाहिए थी वो बस हमने भाई इसकी ले ली है, और बाकी कोई भी हमने इसमें बाहर से कोई भी काम नहीं करवाया है। हाँ, एक इसका बॉडी कवर लिया था, बाकी उसके अलावा कोई इसमें काम बाहर से नहीं हुआ है। तो भाई अभी दिखाएं आपको। तो भाई सबसे पहले अगर शुरुआत करें इस कार की, तो इस कार में हमने सबसे पहले लुड़वाया था ये वाला स्टीयरिंग कवर। भाई देख सकते हैं आप लोग इसकी क्वालिटी। सीट करते हैं पीछे और दिखाते हैं आपको भाई। तो भाई इतना ज़्यादा अच्छा मतलब ग्रिपिनेस है ना इसके स्टीयरिंग में। भाई पहले मतलब क्या था, पहले ये सिंपल सा स्टीयरिंग था, क्योंकि जो टॉप मॉडल होते हैं ना इनके कार्स के, उनमें ही लेदर वाला स्टीयरिंग देते हैं ये लोग। तो भाई इसमें इतने मतलब काफ़ी ज़्यादा सही है ये। और अगर बात करें इसकी लेदर क्वालिटी की, तो आप लोग देख सकते हैं भाई मतलब बहुत अच्छे से ये इसकी स्टीयरिंग घूम रही है, इसकी कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। तो भाई अभी इसको करते हैं बंद और दिखाते हैं आपको कि मतलब इसका प्राइस में कितना पड़ा। तो भाई अगर सिर्फ इस रैप की बात करें तो ये हमें पड़ा था लगभग ऐसे मान लीजिए 800-850 के आसपास। भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी, और देखा जाए तो इसमें ग्रिप आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से स्टिच किया गया है यहाँ पर। ये नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो भाई इसमें हमें दूसरी चीज़ मिल जाती है, ये मैट। ये आप देख सकते हैं 70 मैट है। अगर इसको हटाते हैं यहाँ से तो नीचे इस टाइप का ये कम्बल टाइप का दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इसकी क्वालिटी डल रहती है। अभी देख सकते हैं आप लोग इसके ऊपर अगर कोई भी चीज़ फैल जाए, पानी वगैरह या चाय वगैरह कुछ, तो इसको निकालने का कोई मतलब वो नहीं है, इसका कोई फैक्ट्री नहीं बनता इसका। क्योंकि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बोल्ट वगैरह से सीटें कसी हुई हैं, कोई भी इसको निकालने की जगह या कोई भी चीज़ नहीं बनती है। और इसका 70 मैट का ये फ़ायदा है कि अगर हम इसको क्लीन वगैरह ना करना है इसको, तो हम यहाँ से इसको निकाल के इस टाइप से और इसको फुटेज को आराम से मतलब निकाल के बाहर झाड़ सकते हैं, और ये वापस ऐसे इस तरह से लग जाता है। और देखिए आप, ये एक एज से दूसरे एज तक पूरा मतलब अच्छे से लगा हुआ है, और कोई भी इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब इसमें हमें फ्लोरिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना फ़ायदा है इस 70 मैट का। और भाई यहाँ पर इस सेल्टॉस की बैजिंग देखने में मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। मतलब ये जेन्युइन एक्सेसरी में आती है सेल्टॉस की। दूसरी तरफ का देखिए, आइए आपको पीछे का भी दिखाते हैं। देखिए भाई, ये सिंगल वे में आता है पूरा, एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक। तीसरी चीज़ आ जाती है इसके सीट कवर्स। आप देख सकते हैं इसमें सीट कवर्स में भी ये यहाँ पर ये सेल्टॉस की बैजिंग दी जाती है, जो कि ऐसी भाई देख सकते हैं आप लोग। इसमें सेल्टॉस के ये वाले जो जिसपे हम बैठते हैं वो वाला कवर, हम रिक्लाइन वाली ये सीट, और उसके साथ में ये हेड रेस्ट, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ये तीनों चीज़ें ही इसकी खूब अच्छे से मतलब आप फिट एंड फिनिश देख सकते हैं। ये सेल्टॉस की ही कवर हैं, जेन्युइन एक्सेसरी के पार्ट हैं भाई। काफ़ी ज़्यादा सही क्वालिटी है इन सीट कवर्स की भी। और अगर रियर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें विदाउट जो आर्मरेस्ट की जगह होती है ना, वो वाले सीट कवर्स हैं। क्योंकि ये इसमें क्या होता है, जो टॉप मॉडल होता है उसमें होते हैं इसके जो मतलब लेदर वाले कवर्स हैं ना, इसमें उसमें टॉप मॉडल्स में सीट ही लेदर वाली आती है, तो उसमें आर्मरेस्ट वगैरह के लिए मतलब कवर वगैरह चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं। तो इसलिए सिंपल से ही कवर आते हैं, जो एसटी के प्लस तक जाते हैं भाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और एसटी के प्लस तक ये कवर लगते हैं, क्योंकि उसमें आर्मरेस्ट नहीं आता है भाई। अभी नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है इसके ये डोर वाइज़र। आप देख सकते हैं ये इनको लोग रेन वाइज़र भी बोलते हैं, सन वाइज़र भी बोलते हैं, और डोर वाइज़र भी बोलते हैं। तो इनकी क्वालिटी देखो तो काफ़ी ज़्यादा सही है, और ये क्रोम के मतलब इस तरह के छोटे से पार्ट के साथ आते हैं, काफ़ी ज़्यादा सही लगते हैं। और ये जो है ना, कुछ आते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं थोड़े इनके, लेकिन ये बिल्कुल अंदर से इस टाइप के, काफ़ी ज़्यादा सही क्वालिटी है इनकी। और अब जब से लगवाएं कोई भी इनमें कोई प्रॉब्लम किसी तरह की फेस नहीं हुई है। काफ़ी ज़्यादा सही एक्सेसरी है ये, और रिकमेंडेड भी है कि मतलब कार वगैरह लेने से पहले ज़रूर लगवाएं। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जैसे अभी अगर कोई भी जैसे रेन तो इसमें लगती नहीं है, अगर नीचे है ये इतने में हम इतने शीशा आराम से कर सकते हैं, और उसके बाद में अगर कोई बाहर से हाथ वगैरह डालना चाहे इसमें तो पूरी तरह से हाथ भी नहीं आ पाता, और एयर भी अच्छे से पास होती रहती है। तो इनका ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ऊपर से ह्यूमिडिटी भी अंदर की थोड़ी सी मतलब बाहर निकालते रहते हैं। तो अभी नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो ये हमने आफ्टर मार्केट लगवाया था, क्योंकि ये
वहाँ से तो मतलब पूरा ये वाला पैनल ही चेंज होता है अगर कंपनीज करवाते हैं तो। भाई ये स्पॉइलर इसमें ब्लैक कलर में ही आता है, और अगर इसकी बात करें तो इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है, और आफ्टर मार्केट के हिसाब से अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये हमें पड़ा था लगभग 3,000 रुपये का। भाई बाहर से काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉस्टली फिर पड़ी जाता है, लेकिन मेन चीज़ की क्वालिटी हमें सही मिल गई थोड़ी सी। तो जब से ये लगवाया तब से ना ही छोटा है ये, ना ही कोई और किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस हुई है इसमें। ये हमने यहाँ पर ये पेट्रोल का ये लोगो वाला ये इस टाइप का चिपका दिया था, ये तो ऐसे ही बस बनवा के और चिपका दिया था। ये भी मतलब बहुत ज़रूरी होता है अगर पेट्रोल की कार है तो उस पर पेट्रोल की बैजिंग, और डीजल की कार है उस पर डीजल की बैजिंग, जो कि आप किसी भी तरह से लगवा सकते हैं। और भाई काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है, क्योंकि बाई चांस अगर कुछ भी फ्यूल मतलब गड़बड़ हुआ ना तो फिर पूरी कार का टैंक पूरा क्लीन करना पड़ता है अच्छे से। तो भाई इस चक्कर में मतलब कहीं इमरजेंसी में जाना है तो वहाँ भी लेट हो सकते हैं। तो भाई यहीं तक थी हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।